नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके पर्सनल चैनल अभी क्रिक स्पोर्ट्स में। आज की वीडियो में आप लोग को बताएंगे आईपीएल 2024 में जो प्लेयर हैं, लगभग 25 प्लेयर के बारे में बताएंगे, 24 प्लेयर के बारे में कि इनका सैलरी कितना है, इनको कितना रुपये मिला है ऑक्शन में, कितने कितने रुपये में ये बिके हैं, कितने रुपये में रिटेन किए गए हैं, पूरा डिटेल आप लोग इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके पसंदीदा जो खिलाड़ी कौन है आईपीएल में ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आप लोग को बताते हैं कि आखिरकार कितने करोड़ में ये खिलाड़ी बिके और सबसे महंगा अभी तक कौन साबित हुआ है। तो सबसे पहले जिस खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, दीपक चहर। दीपक चहर को चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन किया है 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया, यानी आईपीएल 2024 की जो सैलरी है दीपक चहर की 14 करोड़ रुपये है, 14 करोड़ रुपये में सीएसके ने रिटेन किया है। वहीं आते हैं मोहम्मद शमी, जो पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया था, पर्पल कैप होल्डर बने थे, और मोहम्मद शमी को 6 करोड़ 25 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस ने रिटेन किया है। 6 करोड़ 25 लाख में गुजरात टाइटंस की टीम में फिर से चले गए हैं मोहम्मद शमी, इनको मोहम्मद शमी को रिटेन कर लिया है गुजरात टाइटंस ने। और वहीं जसप्रीत बुमराह को मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है 12 करोड़ रुपये में मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है। मुंबई इंडियंस से खेलते हैं जसप्रीत बुमराह, मुंबई इंडियंस से ही खेलेंगे और 12 करोड़ रुपये में रिटेन किए गए हैं। और वहीं आते हैं संजू सैमसन को 14 करोड़ में रिटेन किया है राजस्थान रॉयल की टीम ने। राजस्थान रॉयल की टीम से खेलते हैं संजू सैमसन, और संजू सैमसन को 14 करोड़ में रिटेन किया गया है, यानी आईपीएल 2024 की जो सैलरी होगी संजू सैमसन की वो 14 करोड़ रुपये होगी। वहीं 6 करोड़ 75 लाख रुपये में क्विंटन डिकॉक को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रिटेन किया है, और इनकी जो सैलरी है डिकॉक की 6 करोड़ 75 लाख रुपए 2024 की सैलरी है। वहीं 15 करोड़ रुपए में राशिद खान रिटेन किए गए हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से। गुजरात टाइटंस की तरफ से 15 करोड़ में राशिद खान रिटेन किए गए हैं, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं राशिद खान, और राशिद खान की जो 2024 की सैलरी है वो 15 करोड़ रुपये है। वहीं निकोलस पुरन जो है इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिटेन किया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, काफ़ी ज़बरदस्त खेल रहे थे, और काफ़ी महंगे रिटेन किया है, 16 करोड़ रुपये में रिटेन किया इनको। आप लोग सोच सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया, यानी आईपीएल 2024 की जो सैलरी होगी निकोलस पुरन की वो 16 करोड़ रुपए होगी। कैमरन ग्रीन जो है वो ट्रेड कर लिए गए हैं, वैसे मुंबई इंडियंस से खेलते थे, अब खेलेंगे ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से, आरसीबी से। पिछले साल काफी महंगे साबित हुए थे कैमरन ग्रीन, और इस साल भी बहुत ही महंगे साबित हो गए हैं, सबसे महंगे अभी तक, सबसे ज्यादा महंगे यही हैं, 17 करोड़ 50 लाख में, 17.5 करोड़ रुपए में आरसीबी ने इनको ट्रेड किया, आरसीबी से खेलेंगे 2024 आईपीएल, और 17 करोड़ 50 लाख में आरसीबी ने ट्रेड किया है कैमरन ग्रीन को। वहीं आते हैं श्याम करन काफ़ी महंगे साबित हुए थे पिछले साल, इस साल भी काफ़ी महंगे साबित हो गए हैं, 18 करोड़ 50 लाख रुपए में इनको रिटेन किया गया, पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में श्याम करन को रिटेन किया, और काफ़ी महंगे पिछले साल भी और इस साल भी साबित हुए हैं। और वहीं ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख में मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया, 15 करोड़ 25 लाख रुपये में रिटेन किया है, और हर साल जो ईशान किशन है काफ़ी महंगे साबित होते हैं, यानी इस साल इनकी आईपीएल की जो सैलरी है 2024 में वो 15 करोड़ 25 लाख है। वहीं जो रिंकू सिंह है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे पिछले सीजन में, मात्र इनको बेस प्राइस में 50 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर ने इनको उठाया था, और इस साल 2 करोड़ रुपये में रिटेन किया, रिंकू सिंह को 2 करोड़ रुपये में रिटेन किया, यानी कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे रिंकू सिंह, यानी रिंकू सिंह की जो 2024 की सैलरी है वो 2 करोड़ है। वहीं श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर ने 12 करोड़ 25 लाख में रिटेन किया, 12 करोड़ 25 लाख रुपए में रिटेन किया श्रेयस अय्यर को, यानी आईपीएल 2024 की जो श्रेयस अय्यर की सैलरी है वो है 12 करोड़ 25 लाख। वहीं 5 करोड़ रुपए में यशस्वी जायसवाल को रिटेन किया राजस्थान रॉयल ने, और यशस्वी जायसवाल की जो सैलरी है आईपीएल 2024 की वो 5 करोड़ है। ऋतुराज गायकवाड़ को 7 करोड़ में रिटेन किया है चेन्नई सुपर किंग ने, चेन्नई सुपर किंग से ही खेलते आ रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, अभी तक दूसरी टीम में नहीं गए, इन्होंने चेन्नई सुपर किंग से शुरुआत किया है और चेन्नई सुपर किंग में खेल रहे हैं। आईपीएल 2024 की जो सैलरी है ऋतुराज गायकवाड़ की वो 7 करोड़ रुपये है। वहीं आते हैं ऋषभ पंत तो वैसे इंजर्ड थे पिछले सीजन, नहीं खेल पाए थे, लेकिन पिछले सीजन भी इनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया था, इस सीजन में भी ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया और 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया है, काफ़ी महंगा रिटेन किया इनको, 16 करोड़ रुपए इनकी आईपीएल 2024 की सैलरी है ऋषभ पंत, क्योंकि काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं हर साल। और वहीं आते हैं शुभमन गिल को 10 करोड़ में रिटेन किया है गुजरात टाइटंस की टीम ने शुभमन गिल को 10 करोड़ में रिटेन किया, और आईपीएल 2024 की जो सैलरी है शुभमन गिल की वो है 10 करोड़ रुपए। वहीं आते हैं सूर्य कुमार यादव, हर साल अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाम कमाते हैं, जिसके कारण फिर से इनको मुंबई इंडियंस ने रिटेन कर लिया और काफ़ी महंगा रिटेन किया है सूर्य कुमार यादव को, 15 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने इनको रिटेन किया, और हर साल की भांति इस साल भी काफ़ी महंगे साबित हो गए हैं सूर्य कुमार यादव। आईपीएल 2024 की जो सैलरी है सूर्य कुमार यादव की वो 15 करोड़ रुपये है, और 15 करोड़ रुपये में इनको रिटेन कर लिया गया है मुंबई इंडियंस की तरफ से। वहीं आते हैं केएल राहुल हर साल ये भी बहुत ही महंगे साबित होते हैं, इनको फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रिटेन किया है, और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने केएल राहुल को 15 करोड़ में रिटेन
इंडियन की यानी आईपीएल 2024 की जो सैलरी होगी केएल राहुल की वो 15 करोड़ रुपए होगी। 15 करोड़ रुपए इनकी आईपीएल 2024 की सैलरी होगी। हर साल ये महंगे महंगे साबित हो रहे हैं। पंजाब से खेलते थे, पंजाब के बाद जब नई टीम बनी लखनऊ सुपर जायंट्स, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको लिया और इनको कैप्टन बना दिया और काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं केएल राहुल, जिसके कारण इनको हर बार महंगा रिटेन किया जा रहा है। वहीं शिखर धवन को फिर से पंजाब किंग्स ने रिटेन कर लिया और पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को 9 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। हर साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं शिखर धवन, और शिखर धवन काफी ज्यादा नाम कमाते हैं। पिछले सीजन में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे लेकिन बहुत सारे मैच ये नहीं खेल पाए थे, और फिर से शिखर धवन को पंजाब किंग्स ने रिटेन कर लिया। आईपीएल 2024 की जो शिखर धवन की सैलरी है वो है 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए में इनको रिटेन किया। वहीं हार्दिक पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या भी काफी महंगे साबित हो गए, और हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस की टीम में थे, गुजरात टाइटंस की टीम में कैप्टन थे, लेकिन अब आ गए हैं मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस ने इनको ट्रेड कर लिया है और हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपए में ट्रेड किया। मुंबई इंडियंस ने इनको 15 करोड़ रुपए में ट्रेड किया, यानी आईपीएल 2024 की जो सैलरी होगी हार्दिक पांड्या की वो 15 करोड़ रुपए होगी, और ये फिर से एक बार मुंबई इंडियंस में आ चुके हैं। मुंबई इंडियंस से ये शुरुआत इन्होंने किया था और मुंबई इंडियंस से काफी सारे मैच खेले और काफी सारे ट्रॉफियां भी जीती, और इनको गुजरात टाइटंस का कैप्टन बनाया गया था। 2 सीजन ये गुजरात टाइटंस की तरफ से खेले और पहले सीजन में ये फाइनल जीत गए और दूसरे सीजन में फाइनल में पहुंच गए, लेकिन उसके बाद जो है इनको ट्रेड कर लिया मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस की टीम से आपको फिर से हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं रविंद्र जडेजा भी काफी महंगे साबित हुए हैं। 16 करोड़ रुपए में इनको चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन किया और काफी जबरदस्त ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। पिछला सीजन जो है चेन्नई सुपर किंग जीती थी 2023 का सीजन, उसमें से रविंद्र जडेजा का बहुत ही बड़ा हाथ था। आखिरी गेंद में 10 रन चाहिए थे और इन्होंने 1 छक्का 1 चौका लगा दिया था और टीम को जीत दिला दी थी। फाइनल कब जीत दिला दी थी, तो इनको कैसे छोड़ सकती है चेन्नई सुपर किंग। और 2024 की जो सैलरी है रविंद्र जडेजा की वो 16 करोड़ रुपए है। 16 करोड़ रुपए में इनको रिटेन किया गया, चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन किया। वहीं रोहित शर्मा जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, इनकी भी जो सैलरी है 2024 की वो 16 करोड़ रुपए है। 16 करोड़ रुपए में इनको मुंबई इंडियंस ने रिटेन कर लिया है और मुंबई इंडियंस की ये कैप्टन है, काफी सालों से कैप्टन है। मुंबई इंडियंस को काफी सारी ट्रॉफियां ये जीता चुके हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा की जो आईपीएल की सैलरी है 2024 की जो सैलरी है वो 16 करोड़ रुपए है। 16 करोड़ रुपए में इनको रिटेन किया है मुंबई इंडियंस ने। वहीं विराट कोहली जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं, इनको अदर अदर कंपनियों से काफी सारे ऑफर आए थे, काफी सारे पैसे के ऑफर आए थे, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिए। इन्होंने कहा मेरे लिए लॉयल्टी जो है वो काफी मायने रखती है, और ये फिर से आ चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इनको रिटेन किया है, 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया, यानी आईपीएल 2024 की इनकी जो सैलरी होगी वो 15 करोड़ रुपए होगी। वहीं आते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन हैं, इस सीजन भी खेल रहे हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि इस साल भी महेंद्र सिंह धोनी खेले। महेंद्र सिंह धोनी की जो सैलरी है आईपीएल 2024 में वो 12 करोड़ रुपए है। 12 करोड़ रुपए में इनको चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन किया है। इस साल ये फिर से चेन्नई सुपर किंग से खेलते हुए नजर आएंगे और 12 करोड़ रुपए इनकी सैलरी है आईपीएल 2024 की। 12 करोड़ रुपए में इनको चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन कर लिया। चेन्नई सुपर किंग को इन्होंने काफ़ी सारे ट्रॉफी जीता है, पिछले सीजन भी चेन्नई सुपर किंग भी जीती थी, और टोटल 5 जो सीजन है आईपीएल के वो महेंद्र सिंह धोनी जीत चुके हैं। कप्तानी करते हुए 5 सीजन आईपीएल के जीत चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो भी चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। वैसे इस लिस्ट में आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं कौन है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और किसी खिलाड़ी के बारे में अगर आप लोग और जानना चाहते हैं, सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके बताएं। वो मैं आप लोग को नीचे वीडियो में आपको कमेंट में बता दूंगा कि इस प्लेयर की सैलरी कितना है और इस लिस्ट में आपके सबसे पसंदीदा और चाहता खिलाड़ी कौन है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।